चीज़ होती है ना, वो आगे टाइम भी करते हैं और वापसी भी मिलती बहुत ज़्यादा। थोड़ा ऑन देना आगे करने दो, थोड़ा छत बल का दें। ये छोड़ने या चौक वाला भाई, इसको उड़ाया नहीं, जोड़ों में शुरू से पड़ा हुआ, ये वहाँ साथ यहाँ पड़ा हुआ था, बड़ा हो गया था वो, अपने बोला फालतू पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने लिया अपने पास लिया। जी अस्सलामुअलैकुम माम फ्रेंड को साद अज़र नियाज़ी मकसूद भाई की तरफ से अस्सलामुअलैकुम, और सब प्यारे भाई कैसे हैं, सुबह दिखाएं जरा कबूतर। नहीं वापस क्लिक कर लेगा, माशाल्लाह बहुत बड़ी छत, बहुत बड़ा नाम वजीर भाई, साथ वजीर भाई, हम आपको उनके ब्रीडिंग कबूतरों का शौक करवा रहे हैं जी, उम्मीद करते हैं कि माशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, और बहुत ताला फकीर को लेना सारे, ये फकीर के कबूतर हैं जी, ये देखो आज हम आपको फ़कीर गुल कबूतरों का शौक करवाएंगे जी, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा जी आप सब दोस्तों को। हमारी तो ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा जानवर, अच्छे से अच्छे साथ पर के पास हम जाएं, और वज़ीर भाई का कुछ देर बाद हम इंटरव्यू भी लेंगे कबूतरबाजी के हवाले से। वज़ीर भाई ये अपना कितने अरसे से हैं ये कबूतर आपके पास? मेरे पास तो तकरीबन अभी आए, लेकिन ये मेरे उस्ताद के पास थे, उस्ताद के पास ज़माने से पड़े हुए, उस्ताद के कबूतर हैं जी। आवाज़ और पिक्चर क्लियर आ रही है, ज़रा बताएं थोड़ा सा। वज़ीर भाई आप अपने उस्ताद का नाम भी बताएं, तारीफ कराएं थोड़ा सा, अपने उस्ताद के बारे में थोड़ी सी बात बताएं। उस्ताद हमारे उस्ताद नसीम जान थे, कराची में मैं नहीं समझता कोई शख्स उनको नहीं पहचानता हूँ, बहुत बड़े उस्ताद थे, सबसे प्यार करते थे, तमाम कबूतरबाज से प्यार करते थे, और हमें भी यही सिखाया तमाम कबूतरबाजों से प्यार करना सीखो, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम उसके बातों में, और ये तमाम कबूतर 80% या 90% उस्ताद के घर के हैं मेरे पास, और कुछ 10% जो कबूतर हैं वो मैं बाहर से लेके आया हूँ, और बस यही है शौक हमारा, कोशिश करते हैं इनको मेंटेन करने की। वज़ीर भाई आपका शुक्रिया, हम वज़ीर भाई के हम आपको ब्रीडर कबूतरों का दोबारा शौक करवाते हैं जी, और साथ साथ वज़ीर भाई से हम अच्छा या वज़ीर भाई से हम मीठी मीठी बातें भी साथ साथ सुनेंगे। ये वज़ीर भाई का परवाजी, ये वज़ीर भाई का परवाजी कबूतर है जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जितना शेयर करेंगे उतना आगे दोस्तों को अच्छे जानवर देखने को मिलेंगे।
ماشاءاللہ. بہت ہی اعلیٰ وزیر بھائی کے کبوتر, مزہ آ گیا جی. مقصود بھائی جی, میری جی مقصود بھائی, آج اپنا کیمرہ مین جو ہے نا, آج تھوڑا سست ہوا. ہاں جی, ہمارے یہ بھی ہمارے استاد کے نسلوں میں سے نسل ہے, ان کا نام انہوں نے شرما چاہ. ادھر بات کرتا ہوں جی, آپ بتائیں وزیر بھائی. یہ استاد کے ہمارے ایک الگ نسل ہے, ان کا نام انہوں نے شرما چار رکھا تھا. شرما چار, اور یہ ایک اور بریڈ ہے ان کی, یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ. بہت ہی اچھے. اور یہ دیکھیں کنتا دیکھیں, تھوڑی سی ہم خاموشی اختیار کریں گے لیکن پروگرام چلے گا کیونکہ اذان ہو رہی ہے. اتنی دیر تک ہم وزیر بھائی کی چھت کا آپ کو شوق کرواتے ہیں جی. چھت دکھائیں ذرا, اذان ہو جائے گی. جی یہ استاد وزیر صاحب کی چھت کا ویو ہے جی. چیک کریں جی, یہ مقصود بھائی جی.
भाई सब ठीक है? साथ साथ शुक्रिया कि आ जाए यार, हमारे कई पंजाब के लोगों को पता ही नहीं कराची में क्या है। आदमी के पास पड़े तो हैं लेकिन वो जी, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जी जी निकाश अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भी सब का जी, ये बड़ा ब्रीडर कबूतर है उस्ताद वजीर का। जी ये उस्ताद वजीर साहब का बहुत ही ब्रीडर कबूतर है जी, ये चेक करें जी। जी उस्ताद राशिद मीनार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखा जो मादी गत पर आई है वो नहीं लेकर आनी जी। इमरान कुकर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसीम खालिद साहब, नादिर खान साहब भी क्या हाल है, ठीक है? और मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर हैं, प्यार करने वाले भाई हैं, सबको सलाम। आज हम बहुत बड़ी छत पर आए हैं, बहुत बड़ा नाम नजीर भाई साहब, नजीर भाई जी, ये चेक करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी नदम चौधरी साहब।
का नारा मस्जिद है और बहस कॉलोनी वाला नारा। जी माशाल्लाह से ये जी कराची का व्यू चेक करें जी। उस्ताद वज़ीर साहब की छत का एक खूबसूरत मंजर। वक्त हम आपको बहुत ही बड़ा नाम उस्ताद वज़ीर साहब कराची से जिनका शो करवा रहे हैं आपको ग्रुपों का जी। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। नदर खान साहब सलाम कह रहे हैं जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर भाई से पूछते हैं, वज़ीर भाई ये बताएं ये कौन सी आपकी ब्रीड है? ये जरा थोड़ा सा, ये मेरी गोल्डन कॉकर है। ये आज से 10 साल पहले मैंने लेके आया था कहीं से, पहले तो उसको उड़ाया था मैंने, उड़ाने के बाद फिर उसको ब्रीडर बना दिया। उसके बाद उसको मैंने ब्रीडर बना दिया तो उसके बच्चे भी उड़ रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी उड़ रहे हैं। जी मकसूद भाई जी अज़र भाई आपको मुझे तो यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है जी। ठीक है, आपकी थोड़ी सी राय लेते हैं जी। नहीं अज़र भाई हमारी तो माशाल्लाह कराची की बहुत बड़ी छत है माशाल्लाह से, ये हमें हमेशा अपने वज़ीर भाई के ये कबूतर जो है बहुत पसंद रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं वज़ीर भाई हमारे, हम सब लोगों से, हमारे पूरे ग्रुप से। तो कहने का मकसद यही है कि जिस तरह वज़ीर भाई ने हमारे ये कबूतर मेंटेन करके रखे हुए अपने शागिर्दों के, अभी उन्होंने माशाल्लाह अपने जिस तरीके से कबूतर ये अपने मेंटेन करके रखे हुए। जी फैसल नवाज साहिब मुनीर गोड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह से जी उस्ताद वज़ीर साहब के कबूतरों का शो करके बहुत मज़ा आया जी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कबूतर हैं इनके, और एक कराची का बहुत ही बड़ा नाम है जी इनका। बहुत पक्के कबूतर इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। ये चेक करें जी कबूतर, माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी इसी में है। ये कुंडा चेक करवाएं जरा माशाल्लाह जी, ये कबूतर चेक करें माशाल्लाह, इसका कुंडा देखें जी, बहुत ही नायाब कबूतर माशाल्लाह से जी। उस्ताद वज़ीर साहब का अपने एक हम थे, हमारे बड़े थे, पेड़ से रिसीव करने आता है ऐसा 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 ऐसा, ऐसा गाइडेंस मिलती है हमें, बड़ों से मिली मेहनत से मिली, से मिली। तो ऐसा आपको कोई ऐसा कभी आपके जहन में नहीं है? नहीं सब कहते हैं कि पता नहीं, एक बात करूँगा आपसे बात पूरी लाइफ में,
جی جی نادر خان صاحب جی جی بالکل جی بہت ہی اچھا شو کی ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ ملے گی وہاں سے آپ کو سوچ نہیں سکتے بس تھوڑے سے نا ان کو جال میں کر دیں تھوڑی میجر والا نرم آ دیا بیٹھ جی نادر خان صاحب کہہ رہے ہیں جی استاد آنا نہیں ہے اسی طرح تازہ تازہ شوق کر آئے ہم پر جی کیا کہہ رہے ہیں جی استاد آنا نہیں ہی اسی طرح تازہ تازہ شوق کراؤ ہم پر جی جی ضرور انشاءاللہ یقین کریں کہ میں اتنے اچھے کبوتر اپنی لائف میں نہیں دیکھے بہت اچھے کبوتر اور مضبوط اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کراچی کے جتنے بھی استاد ہیں بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک بہت ہی گریٹ میں دوبارہ پھر آج کراچی کے استادوں کو سلام کرتا ہوں میرا تو دل نہیں کر رہا قصور آنے کو تو جو ہمارا کیمرہ مین ہے اس کا بھی دل نہیں کر رہا ہمارے کیمرے مین تو لگائے ذرا تھوڑا سا یہ کیمرہ مین چیک جی یہ چیک کریں جی کدھر ماشاء اللہ جی استاد مرزا علی محسن رضا صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا کنڈا چیک کریں گے اس کا یہ میرے جی بہت ہی پیارے بہت ہی گریٹ بھائی میجر امتیاز بھائی آئی لو یو یہ دیکھیں امتیاز بھائی یہ میجر امتیاز بھائی کے گھر کی بریڈ ہے جی جی عبدال منیم صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا ماشاء اللہ سے نہیں سمجھ رہے تھے اب اس کی بیٹے سے لگا چھپتا بھی گیا شرما لگا جی یہ شوق کریں جی شکریہ ارشد پیار کرنے والے آپ ارشد ملک صاحب آئے ہیں جی لاہور والے بہت بہت شکریہ جی آپ بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جی نادر خان صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ جس کی چھت ہے بہت بہت سلام اس کو اسپیشل میری سے جی استاد وزیر صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں نادر صاحب آپ کو ہاں جی یہ چیک کریں استاد وزیر صاحب کراچی کے ایک بہت بڑے نامور انسان اور بہت ہی بڑا نام جی کراچی کا یہ ان کی چھت کا ویو ہے جی یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی نایاب اور اچھے کبوتر جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کام ان کے
ये थोड़े से बाहर निकाल दें जरा। ये देखें जी, सुर भाई के बहुत लाजवाब कबूतर, बहुत अच्छे कबूतर, और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। ये बाहर थोड़े से निकाल दें जरा। ये जी सुर भाई का सेटअप है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने ब्रीडिंग कबूतरों का बनाया हुआ है जी। देखें माशाल्लाह, आज अब्बास मलिक भाई दी ग्रेट। बस थोड़ी सी धूप है क्योंकि कराची का मौसम थोड़ा सा तेज़ है, हमारे तो उधर पंजाब में काफ़ी धुंध का सामना कबूतरों को करना पड़ रहा है, लेकिन इधर माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये सेटअप है जी मंसूर भाई का। उम्मीद करते हैं कि सब प्यारे भाइयों को शौक अच्छा लगा होगा। ये मंसूर भाई के उड़ने वाले कबूतर हैं जी, ये मादा है जी, ये इंशाल्लाह 2020 की तैयारी है जी इनकी, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। और बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, हम आपको उनसे कुछ बातें भी करवाएंगे अभी। ये नारे हैं जी, ये सारे उड़ने वाले कबूतर हैं जी। शुक्रिया आबास भाई, थैंक्स।
माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तादाद में इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं जी। ये छत का करते धरते हैं जी माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया जी आपको इस छत पर? 4-5 साल हो गए माशाल्लाह। अभी हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं भाई से कि आने वाली नस्लों को, आने वाले जो जवान हैं, नौजवान हैं, उनको ट्रिप कैसा गाइड करना चाहिए भाई, उनको उस्तादों की इज्जत के बारे में और आगे जो कबूतरबाजी है कैसे लेकर जानी चाहिए भाई, कुछ बयान करें। सबसे पहले तो हमें सीनियर लोगों की इज्जत करनी चाहिए जी, बिल्कुल जी, उस्तादों की इज्जत करनी चाहिए, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, बिल्कुल, और तमाम कबूतरबाजों की इज्जत करनी चाहिए जो फैक्टफुल हैं कबूतरबाजों से जी। और मैं तो यही करता हूँ, चॉइस कबूतर के रखने की हर आदमी की अलग होती है, अलग तरीके से रखता है, अलग किस्म नस्लों से रखता है, इंसान अपना जहन बनाता है, मुझे इस टाइप के कबूतर बनाने हैं, वो उसके ऊपर है, बिल्कुल जी। बाकी मैं तो यही कहता हूँ तमाम कबूतरबाजों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे कराची के हो, चाहे पंजाब के हो, किसी पाकिस्तान के हो या बैरून मुल्क की हो, बेशक जी, सब की इज्जत करनी चाहिए, सबसे दोस्ती रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात मैंने की है, काफ़ी चीज़ें मालूमात मिलती है मकसूद भाई जी, बिल्कुल, जैसे जफर अहमद शेख साहब से बहुत सीनियर साहब थे हमारे, हम इनकी इतनी इज्जत करते थे, उससे ज़्यादा इज्जत वो हमारी करते थे, बेशक जी बेशक, तो वो बड़े प्यार करते थे, हमेशा बुलाते रहते थे, खुद बुलाते थे, बड़ा होके भी बुलाते थे, जाते भी थे, इसी तरह अयूब भाई भी बुलाते हैं, रियाज भाई भी बुलाते हैं, हम जाते हैं, वो हमें इज्जत देते, हम उन्हें इज्जत देते, बिल्कुल जी बिल्कुल। मकसूद भाई आए ज़रा एक मिनट। माशाल्लाह जी आपने सुबह की बातें सुनी और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें की हैं जी, कबूतरबाजी के हवाले से और जो उस्तादों के हवाले से। अब मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ उस्ताद मकसूद भाई से भी, वो भी हमें थोड़ी सी टिप दें, क्योंकि असल ज़रूरत यही होती है, कबूतरबाजी तो होती रहती है लेकिन आने वाली नस्लों को ये चीज़ होनी चाहिए जी। मकसूद भाई अगर भाई बात दरअसल ये है कि कबूतरबाजी प्यार मोहब्बत का शौक है, इसको जो है प्यार मोहब्बत से करना चाहिए और ये अमन का शौक है ये जी। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने छोटों को भी चाहिए कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें जी, और हमारे उस्ताद साहिबान को भी चाहिए कि अपने छोटों को अच्छी से अच्छी गाइडलाइन दें जी, ताकि वो अच्छे से अच्छे शौक करें। तो मैं बड़े भाई आपका भी था गायों से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, आपकी मोहब्बत का, आपका मोहब्बत का। तो मकसूद भाई तो माशाल्लाह मेरे साथ 3-4 दिन है, शाना बशाना है जी, शौक में भाई आपका प्यार है, नज़र भाई का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे हमारे साथ, ये आप लोगों की मोहब्बत थी, प्यार था जी। जी उम्मीद करता हूँ कि ये शौक़ आज का माशाल्लाह आपको बहुत प्यारा लगा होगा जी, और मेरी यही कोशिश है कि अच्छे से अच्छा साथ से आपकी मुलाकात भी कराएं और शौक़ भी कराएं। इंशाल्लाह ताला हमें अब इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको जल्द शौक़ करवाएंगे, हमारे साथ रहें, अल्लाह हाफिज़।